अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का मुख्य सरगना मामा भांजा चढ़ा तारापुर पुलिस के हत्थे। दोनों के पास से चोरी की दो बाइक को भी पुलिस ने किया बरामद। दोनों बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र का रहने वाला। डीएसपी तारापुर ने का खुलासा, एक जिले से बाइक चोरी कर दूसरे जिले में खपाने का करता था काम। दोनों के बताए बयान में अन्य बाइक चोरी की घटना का भी हो सकता है उद्भेदन। गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी दोनों ने पुलिस को बताए। पूरा मामला इस प्रकार है, 4 मार्च को तारापुर पुलिस के द्वारा शाहिद चौक पे वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट के वाहन को पुलिस ने रोका, पर पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, जिसे खदेड़ का जब पुलिस ने पकड़ा और उसके वाहन के कागजातों की जाँच की तो वह बाइक चोरी की निकली। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम सूरज कुमार है और वह बांका जिला के बेलहर का रहने वाला है। जो चोरी की बाइक है उसे उसने वहीं से चुराया था। पता करने पर इस मामले में एक केस भी बेलहर थाना में दर्ज करवाया गया, जिसके बाद उसे पकड़ पुलिस जांच करने लगी। पर इस मामला में उस समय नया मोड़ आया जब गिरफ्तार सूरज को छुड़वाने की पैरवी करने बांका निवासी उसका मामा ललन यादव जब अपने बिना नंबर प्लेट के हीरो ग्लैमर बाइक से थाना पहुंचा और किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने का ध्वंस दिखाने लगा। इस पर जब पुलिस को उसके बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर नजर पड़ी तो पुलिस ने उसके चेसिस नंबर से पता किया तो वही किया और का निकला। इस पर पुलिस ने जब मामा ललन यादव से पूछताछ की तो उसके ये स्वीकार किया, जो बाइक उसके पास है वह चोरी की है, जिसे कोरोना कला में भागलपुर से चुराया था। जिसके बाद पुलिस के द्वारा पैरवीकार मामा को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। तारापुर डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि दोनों मामा भांजा अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का मुख्य सरगना है और इसके गिरोह का मुख्य काम एक जिला से बाइक चोरी कर दूसरे जिला में बेचना था। साथ ही बताया कि इसके गिरोह के सदस्यों का नाम पुलिस के पास आ गया, जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही बताया कि इन दोनों की गिरफ्तारी से कई बाइक चोरी के मामले का भी खुलासा हो सकता है। इस छापेमारी में थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन, अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, एसआई उज्ज्वल कुमार, पीटीसी मुन्ना राम, पीटीसी कुमार रविंदर सहित डीएपी के पुलिस बल शामिल थे। दिनांक 4/3/2023 को तारापुर थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। पुलिस को देख करके दो वाहन चालक भागे, जिसे खदेड़ करके पकड़ा गया। उन दोनों के पास से जो बाइक बरामद हुई वो दोनों बाइक चोरी की थी। एक गाड़ी हीरो होंडा पैशन प्रो थी, दूसरी गाड़ी ग्लैमर गाड़ी थी। दोनों गाड़ी चोरी की निकली। एक गाड़ी बेलहर थाना से पिछले महीने चोरी हुई थी और दूसरी गाड़ी भागलपुर से कोरोना काल में चोरी हुई थी। इस घटना में दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बेलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक का नाम सूरज कुमार और दूसरे का नाम ललन यादव है। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये निश्चित रूप से अंतर जिला बाइक चोर हैं, क्योंकि ये बेलहर की गई गाड़ी चोरी की पकड़ी गई है, एक गाड़ी भागलपुर की चोरी गई है। दोनों मुंगेर जिला में पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से ये अंतर जिला के गिरोह हैं। इनके अन्य सदस्य की भी गिरफ्तारी होगी। ये लोगों के भी नाम बताए हैं। इसके कन्फेशन के आधार पर बेलहर में भी बरामदगी हुई है और पूरे गिरोह को ध्वस्त किया जाएगा।